नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई आज है 30 तारीख। डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राखी के चक्कर में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, 30 है 31 है कब की है। तो जबकि भी है आज 30 तारीख है और आज हम जा रहे हैं नानू के पहले राखी बांधने, बिकॉज मेरे भाई वगैरह सब कल बनवाएंगे। तो पहले मम्मी जा रही नानू के यहाँ और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सूट पहना और भाई मेरे को डर लग रहा था, पता नहीं कैसी लगूंगी, मोटी लगूंगी। मोटी तो लग ही रही हूँ लेकिन पता नहीं सुंदर लगूंगी या नहीं, लेकिन मेरे पापा को अच्छा लग गया, मम्मी को भी अच्छा लग रहा है ये देखो। और बाल भी मैंने अपने सेट करवा दिए काजल भाभी से, ऐसे ही रखूंगी। तो ये बैठी मम्मा और ये देखो मम्मा ने भी साड़ी बांधी है, अभी खड़े होके दिखाऊंगी। बाकी ये देखो सामान रखा हुआ है, अब हम सारा सामान ना आज ही लिया है, कल का भी और आज का भी, लेकिन ना ये डब्बे रह गए जो मैं जिन भाइयों के कल बांधूंगी ना उनके ले जाने के लिए, क्योंकि आज हम मामा जी के यहाँ भी जाएंगे ना तो उनके यहाँ का भी सामान है सारा, मतलब जितना भी सारा मिक्स विक्स है। और परम वगैरह के मैं कल ही बांधूंगी डुबू डुबू के। आज सिर्फ मम्मा अपने नानू के बांधेंगी, अपने पापा के मतलब, और अपने भाई के बांधेंगी, और मैं देख लूँगी अपने मासी वगैरह के बच्चों को बांधूंगी। देखो कितनी क्यूट सी है, छोटी सी है, इसमें बड़ी लग रही होगी फिर ना, मतलब सही है आधी किलो की और बड़ी ना क्यूट सी है, देखो कितू सी अच्छी है ना, अच्छी है ना लीशा। तो ये हमने ली है जिसको अब जब राखी बांधूंगी ना तब बताऊंगी, बाकी मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ। देखो मुझे मेहंदी का भी ऐसे ही लगा था कि रचेगी नहीं रचेगी नहीं, और भाई कसम से बहुत ज़्यादा रच रही है। ये देखो कितना कॉलर पड़ा है, पीछे की भी सही रची है, लेकिन पीछे की लगाते लगाते ना मुझे नींद आ गई तो मैंने बस घिसापेली कर दी, आगे की देखो मैंने खुद लगाई है। इस वाले हाथ पे भाभी से लगवाई है, ये मैंने लेट लगवाई है इसलिए थोड़ी कम रची है, अभी कल रचेगी। मैं अपनी नानी के पहुंच गई और मेरी नानी अभी नहाई नहीं है। सब ये रक्षाबंधन पे भाइयों का नाम डबल पे निशान नहीं लग जाएंगे है ना मम्मी, डबल पे निशान आ जाएंगे। देखो ये वाली साड़ी है लेकिन मम्मी कह रही है मामा जी की ये वाली नहीं पहन के जाएंगी, अच्छी लग रही इसे सही तो करो भाई। हाँ दर्द ऐसे करो, दोनों हाथ एक साथ करो। हाँ तो भाई ये कह रही मामा जी की ये वाली नहीं पहन के जाऊंगी, दूसरी पहनेगी। भाई बहन आ गई अपने भाई के घर राखी बांधने, चलो बहन चालू हो जाओ। एक न्यू वो है गुरुजी के बांधे, मैं तो मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी का दिल नहीं मान रहा क्योंकि वो भद्रकाल भद्रकाल चढ़ा हुआ है। मैं तो कहती हूँ पूरे साल साल राखी बनाओ, भाई भी वही रहेगा, राखी भी वही रहेगी, प्यार भी वही रहेगा, भाई देखो साल बांधो, भाई बाप बहने बेटियां सब चीज है। मैं बताती मैं तो ना आज अपने मामा जी के लड़के को राखी बांधूंगी तो हनुमान जी के आज ही बांध दूंगी, बाकी सारे भाइयों की कल ही बांधूंगी, और मम्मी भी शाम को बांधेगी अब नानू की। बाकी मम्मी का फास्ट है, मैं ऐसे काम नहीं करती, फास्ट फास्ट वाले में खाता पीता अच्छा आराम से खाएंगे, चाय पानी से भी। मेरी मम्मी का फास्ट है इसलिए टीका लगा के फास्ट खोल रहे हैं, राखी शाम को बांधेगी। हम जा रहे हैं घर, मम्मी तो शाम को टीका करेंगे, खाने लेकर जा रही हूँ नानी कैसे पापा के लिए, मम्मी अपनी बुआ जी से टीका लगा रही हूँ। पानी पी लो अभी बुआ पेप्सी, अब मम्मी टीका लगा रही नानी से। नानी कह रही है तू ही आ रही, मुझे तो ले ले। ओ भाई देख रहे हो कैसे चलो, ठीक है हाँ दिखाऊंगी। अरे सबके पास जाती है, सबके पास आप लगवाना, मामा जी से, मामा जी देखते तो हैं, टीवी में लगवाना। चल यार हमारे टीका, हमारा टीका हो गया, हमारी बुआ आ गई, टीवी रेडी हो गई। इसके साथ भाई जो प्रॉब्लम हुई है ना, दिखा पहले, इसने जो सूट पहना ना उसके ना बहुत ढीला आ रहा था, बहुत ज़्यादा ढीला, फिटिंग करवाने के बाद भी। फिर हम दोबारा टेलर के यहाँ गए, फिर फिटिंग करवाई ढंग से, अभी भी थोड़ा अटैच वगैरह कर रखा है, फिटिंग नहीं हुई। मेरी हालत देखो, मैं पसीने पसीने हो गई, तैयार हो गया, लेकिन इसका टीका मैं कल ही करूँगी। और मम्मी भी रेडी हो गई दोबारा से। हेलो 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 काकी, इनसे बुलवाइयो एक बार। तू तो मान जा, हाँ चल ठीक है बोल। तो भाई अब मैं अपने मामा जी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और ये मेरे मामा जी, देखो ये मेरे मामा जी,
ये सारे गंदे गंदे से बच्चे इनको ब्लॉग में लेंगे। बाकी मेरी मामी जी भी रेडी हो रही है और फिर हम मम्मा टीका करेंगे मामा जी का और फिर अपना फास्ट खोलेंगे। हेलो भाई, अब मम्मी ना राखी बांध रही है मामा जी मामी जी के, दिखाती हूँ। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, बना भी लाऊंगी मामा जी आपके लिए, बता मैंने। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। ये देखो सारी चिल्लर पार्टी आ गई। मम्मा ऐसा करते हैं चिल्लर पार्टी। ये ब्लॉग में जाएगा। Yeah.
गाड़ी और अच्छी चल रही है ऐसा है सारी बहनें तो हैं इन सब बहनों को इकट्ठा करके दे देंगे इन सब बहनों को ये बंधन तो चल रही ना पे हो रही है सही तो बांध रही थी जल्दी कर लो वरना मैं ना रोक दूंगी गिफ्ट लाए अपने भाई के लिए ये मेरी मामी जी के कान्हा जी उन्होंने इतने प्यारे सजा रखे और सबसे पहले इनको राखी बांधी मुझे बड़े क्यूट लग रहे और इतने प्यारे रेडी कर रखे मुझे बहुत पसंद सो हेलो आज है 31st और आज हम करने वाले हैं अपने भाइयों का टीका चौखट का और अपने थड़े वगैरह का तो मैं रेडी हो गई हूँ मैंने वाला सूट पहन लिया क्योंकि मम्मी कहते हैं बार बार एक ही सूट पहनती रहेगी वो गंदा भी हो रहा था तो अब चौखट का सबसे पहले चौखट का करती हूँ थड़ी का करती हूँ फिर पापा का और डुगू का करूँगी कच्चे धागों का ये रिश्ता जाता है बचपन से मरते दम तक साथ निभाए बंध के रक्षा बंधन से एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का मिलना ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं
तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। डिग्गू की लेने वाली 100 पुच्छियां गिफ्ट में। 100 पुच्छियां? हाँ 100 पुच्छियां लेने दूंगा। हेलो, क्यों नहीं लेने देगा? दे दे, ये अपने पास से मेरा बच्चा। इतनी सारी आप शाम को आके मेरे बाबू ने मेरे को कपड़े दिलाए चूहे ने, वो भी चेंज करके पहनूंगी फिर दिखाऊंगी। प्यार से डिग्गू, प्यार से लियाकत लाओ मेरे बच्चे। पैर छुओ, पैर पैर छुओ भाई, पैर पैर घर आंगन में शोर मचा कर बातें मनवा लेती है मेरी बहन। आज वो मुस्काए तो घर में रौनक कर देती है। घर आंगन में शोर मचा कर बातें मनवा लेती है तेरी बहन। आज वो मुस्काए तो घर में रौनक कर देती है। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए। भाई अब मैं जा रही हूँ अपने बीच वाले ताऊ जी के राखी बांधने। शौक मेरा बाई ने बोलन नहीं दिंदा केरा कुरिया सीताई ने। कर्मा दे नाल मैनू मिले आए वड्डा बाई जिने कने सा मेरे सारे कर जाई ने। छोटिया भरावां वांगू कर दी लाड साडे निके जे सुभा दी पर जाई। आए कीदिया मजाले अगे खड़ जू पिछे तुरे आउंदा ए वड्डा बाई। कीदिया मजाले मूरे खड़ जू पिछे तुरे आउंदा ए वड्डा बाई। तुरे आउंदा ए वड्डा बाई, तुरे आउंदा ए वड्डा बाई। हाय उच्चे आ विचार सानू विरसे च मिले उत्तों रुतबे रठौर दे वी हाई ने। चढ़िया सी चा मैनू उस दिन बड़ा पग बननी सिखाई जदों बाई ने। हाय जिंदगी दी यही तां कमाई ने कर दिया शाम मैनू बोड़ वांगरा रब वर की जो मेरी माई। कीदिया मजाले मूरे खड़ जू पिछे तुरे आउंदा ए वड्डा बाई। तुरे आउंदा ए वड्डा बाई, तुरे आउंदा ए वड्डा बाई। लखा करोड़ा विच वी खड़ा होवां मैनू पछाण लैंदा कल्ला ही आ ना बाकी सब वर्ग है। चौदह वसदा रहे मेरी उम्र भी लग जे तैनू वड्डे बाई दास दा रब वर्ग है। वड्डे बाई दास रब वर्ग है। तो भाई मैंने मोटे और पतलू के राखी बांध दी
ये दोनों मोटे पतलू है और ये हमारा छोटा सा शिनचैन है। इन दोनों के बांधी अब भाभी जी जबाई नहीं उनके कपाल नहीं है, वो अपने गई नहीं माई है, उनका काम खत्म नहीं हुआ। खाना है? हाँ क्या खाना है? ये खाना है देख, इसको खाना है, इसको ना पसंद आ गया खिला दो। बड़ा हो जाएगा फिर ब्लॉग में देखेगा ना कितना सादा सेलिब्रिटी का फोटो शूट हो रहा है। तो भाई अब मैं खा रही हूँ चावल अपने ताई जी का, और मेरे ताऊ जी ने ऐसी डिश बनाई है बिल्कुल स्टाइल वाली, अंडा डाला है उसमें, मुर्गी का मीट डाला है उसमें, मटर डाली है, ऐसे बिल्कुल शेफ वाले स्टाइल में बनाई है, दिखाती हूँ। देखो अंडा बिरयानी चला लिया, ये देखो अंडा मटर सब मिला रखा है, एक नंबर बनाया। ये मेरी बुआ जी आ गई हैं, ये देखो मेरे जैसी हैं बिल्कुल, मतलब मैं इनकी जैसी हूँ मोटी मोटी। ये मेरा वेट कर रही थी टीका करने के लिए। हाँ बुआ आई है मेरी, है ना खानदान अप्रूव हो गया, हम खानदान पे है। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मेहमान आ चुके हैं जो मतलब इतनी दूर रहते हैं कि हमारे घर आते नहीं, बस रक्षाबंधन पे ही आते फॉर्मेलिटी के लिए। ये देखो इनके चेहरे, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये इतनी दूर रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? घंटा घर बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर से आते हैं, और जब राखी आती है ना तब मैसेज करने शुरू करते हैं कि यहाँ कब आना है, कब नहीं आना। और ये कंगना तकिया लेके बैठी हुई है, ये थोड़ा अपना मोटापा छुपा रही है और अपना फेस भी छुपा रही है। और ये हमारे गेमिंग कंसोल के चैंप डुगू, और ये हमारी स्लिम ड्रीम लीसा जो अब मोटी हो गई हल्की सी, और ये हमारा सबसे हैंडसम बॉय जो बहुत बहुत ज्यादा भाव खाते हैं, टमाटर से भी महंगे भाव है इनके डुगू के, टमाटर से भी सस्ते हैं।
बहन है और ये मेरी मम्मी के भाई है। एडवांस में दे दिया मैंने। पापा इनका एक्चुअली रिश्ता है क्या? ये दोनों ना पापा की बहू है की जिम्मे, मतलब पापा को देना चाहिए, एक ही जिम्मे जाते थे ये सब। ये भी वो भी, ये रिश्ता है प्यार का, ठीक है। तो वहाँ पे से डैडी ने इनको ना वो मतलब कहा कि ये हमें ट्यूशन पढ़ा देंगे, तो आने लगी। मैंने इनको दीदी बोला, ठीक है। ये पापा को भाई बोलने लग गई, ठीक है। इन्होंने मम्मी को बहन बना लिया। बस रिश्ते बढ़ते गए, मिलते हैं। रिश्ता समझा दिए, रिश्ता क्या कहलाता है? रियल का डब्बा लिया है सिर्फ अनुष्का दीदी के लिए। दीदी ने भी ये सोचा था हम कमजोर हो रहे हैं, वो भी यही लाई है। धागों का ये रिश्ता जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती, देख दूजा मुस्काए। सुबह ये खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती, देख दूजा मुस्काए। भाई ताकत है तू मेरी, जानो आदत सारी तेरी, तुझसे रोशन है मेरा जहां। ओ भैया दिल बिन खुशियाँ कहाँ, मेरे भैया दिल बिन खुशियाँ कहाँ। बता दे, मैं नहाऊंगा घर जाके, बता दे घर जाके नहाऊंगा, तो मैं बता तो दे। गाना गा के सुना दे। मेरी राखी के बंधन को निभाना और छोटी बहन को जरूर पीटना। भाई को पीटना, तू पीटेगा ना भाई? इसने इतने से ना कल से राखी नहीं बंधवाई अपनी बहन से कि पहले कंगना जी से बंधवाऊंगा, और उसने भी जो टोपी में बच्चा बैठा उसने भी, वो भी सबसे पहले मेरे से बंधवाता है।
महीने का कोटा आ चुका है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो कुछ रहो। दूसरे महीने का भी इंतजाम हो गया, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, घर में खिज्जी आ गई। कैसे कैसे लोग हैं, सैंडविच बना रही है, देखो मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ, कैसे पैकिंग करके दे रही हूँ। अच्छा ये आप भी लाए हो, खाली दे दे जरा उठा के, चल रहा है। काजू कतली खोलो, बहन तुझे को क्या हो रहा है, सिर्फ कुर्ते और चुन्नी के पैसे थे, नीचे जींस पहन ली। थप्पड़ मारूंगी, जींस को देने के लिए मक्खन लाई है, कोई आटा नहीं लाया, और राशन किसने नहीं भरवाया, ब्रेड भी लाया, अंडे मंगा दूंगी। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, एक महीने का कोटा पूरा हो गया। बस बस बस, अरे मेरे को तो दे दो, मैं नहीं दिखी आपको, तुम लोगों की तो जरूरी तुम वो बनाने तो तुम ही करेगी। यही स्कीम होती है सारी लड़कियों की, एक साथ ही दे दो ना। ये हमारे चेले हैं, इन्हें हम नानी के छोड़ के जाते हैं, जब हम आते हैं हमारी खातिरदारी करते हैं, और मैं इन सब के गुरु। मैं आती हूँ, एक पानी लाता है, एक खाना लाता है, और मैं बैठी रहती हूँ, कहीं मैं मोटी हो गई हूँ। झूठ झूठ कुछ नहीं, सच बोल रही है, सच बोल रही है, सच बोल रही है, सच बोल रही है। मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि अलग नोट उड़ाएंगे, अलग लौटेंगे। मैं आ गई हूँ घर और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिम बाय।
चूरल ड्यूटी करे हिट हानिया।